लो जी, जो सोचे थे वो अब वो भी आ रहे हैं। तो लगता है बहुत ज्यादा भारी है। इसमें से इसका भूसा बाहर निकलने लग गया। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, और आप लोग क्या क्या वर्कआउट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, मैं जानना चाहूँगा। कमेंट करके बताना एंड दो चार चीज़ें मैं भी सीख लूँगा। फाइनली आज मैं बियर्ड ट्रिम करने वाला हूँ। मेरा मेनली रुका इसलिए हुआ था क्योंकि मैं चाह रहा था मेरी लंबी बियर्ड रहे, लेकिन मेरे पास जो ट्रिमर है उसकी जो लेंथ है वो इतना ज़्यादा लंबे बाल काटता नहीं है, और दूसरा वाला जो था जो मेरा पैनासोनिक का था वो ख़राब हो गया, तो अब मुझे जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। सॉरी फॉर द नॉइज एंड चलते हैं वाशरूम में, कुछ करते हैं नया। सो दिस इज हाउ आई लुक नाउ, एंड ये रहे मेरे सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी के बाल। आई नो दिस सक्स। और पता है क्या, मेनली मैं क्यों नहीं कटवा रहा था, क्योंकि मेरी जो दाढ़ी थी वो मैच कर रही थी मेरे हेयर स्टाइल से, क्योंकि बल्कि सा रखा है वो। या ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे करके चिपका रहे थे और यहाँ से ऐसे खोपड़ा उग रहा होता है उनका, कितने भद्दे लगते हैं यार वो। उस तरीके का मुझे फीलिंग आ रही थी, एंड आई रियली नीड अ हेयर कट राइट नाउ, और मेरे बिल्कुल वही हालात हो रहे हैं। तो आती है कमेंट शेयर की बारी, और आज के कमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला कमेंट है सिद्धांत दुबे का, बोलते हैं जस्ट डोंट ट्रिम योर बियर्ड एंड ट्राई अ बैडएस लुक, इट लुक्स गुड ऑन स्किनी फिट गाइस। सिद्धार्थ अ बिट लेट, थोड़ा सा अगर जल्दी बोलते शायद मैं ना करता, बट यार दिस वॉज अ नाइस कमेंट, थैंक यू सो मच बाय द वे। आई विल ट्राई कि फिर से उग जाएगी यार, अपने पास है, अपने हाथ में है, अब जैसे मर्जी उगा सकते हैं। अब इसका गलत मतलब मत ले लेना कि मेरी बियर्ड नहीं उग रही, प्लीज़ मुझे बताओ कैसे उगानी है। नहीं, अपने हाथ में नहीं है, मजाक था, वो प्रोसेस है, उग जाएगी, टाइम लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है शिवांश चौहान का, वेस्टेड सो मच टाइम इन स्टार्टिंग। देखो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, और मुझे बार बार ना एक ही बात को करना पसंद नहीं है, बट फिर भी एक लास्ट टाइम क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, एंड व्लॉगिंग करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्लॉग में एक स्टोरी होती है, टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक होता है। ये चैनल व्लॉगिंग के लिए है, प्रोसेस के लिए नहीं है, टॉपिक के लिए नहीं है। तो भाई हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश है, पहले मतलब जानो कि व्हाट इज एक्चुअली व्लॉगिंग, इसका पूरा पढ़ो, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी है इसके बारे में, यूट्यूब पे सर्च वगैरह करी है, और फिर जाके मैं इसको एक्चुअल प्रोसेस में लेके आ पा रहा हूँ। और जो टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर होंगे, लेकिन कभी भी इस चैनल पे मैं ऐसे नहीं करूँगा कि हाँ बस बैठा, टॉपिक के बारे में बताया, निकल गया। आई एम हेयर टू शेयर माई स्टोरी विद माई फैमिली, जो कि मेरे ये सारे प्यारे प्यारे लोग हैं, तो मैं वही करने आया हूँ यहाँ पर। एंड अगर आपको लगता है वो टाइम वेस्ट है, तो यू कैन स्किप टू द मेन पार्ट, जैसे कि आज भी आप कर सकते हो, क्योंकि सीधा हॉल देख सकते हो। बट आई डू नॉट डू दिस पर्टिकुलरली फॉर यू, आई डू दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे को देखना चाह रहे हैं, समझ गए। नेक्स्ट कमेंट में बढ़ते हैं। लास्ट कमेंट है भाई ब्रो, व्हेन यू गेट अ हेयर कट यू शुड गो फॉर हाइलाइट्स, बिकॉज लास्ट टाइम यू हैड हाइलाइट्स, यू आर लुकिंग ऑसम, आई हैव वॉच्ड द वीडियो। वेल थैंक यू सो मच, पिछली बार की जो हाइलाइटिंग थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हुई थी, तो यार प्रॉबेबली वी कैन गो फॉर इट, बट अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट हेयर स्टाइल पर ज़्यादा जाने की सोचूंगा। लेट्स सी भाई, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मैंने क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, बट यार प्रॉबली आई विल टेक दिस एडवाइस, तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करूँगा अगर मेरा मूड बना तो। और यू नो कुछ बढ़िया बॉम्ब ऐसा लेके आएंगे, क्योंकि ये बल्कि बाल ऐसे बिल्कुल बिखरे हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। मजबूरी है भाई, कभी ऐसी मजबूरी आई नहीं कि हेयर कट लेना मुश्किल हो जाए, तो मेरे लिए भी नया ही है। बड़ी दाढ़ी से ना यूजुअली बंदा ज़्यादा ऐसा लगता है मैच्योर, प्लस ऐसा लगता है कि उसका मुँह भरा भरा है। अब मैंने कटवा दिया, ऐसा लग रहा है मेरा मुँह उतना हो गया, पहले इतना लंबा था, तो ये डिफरेंस है। अगेन अ हैक, ग्रूमिंग हैक, अगर लंबा फेस दिखाना है दाढ़ी लंबी करो। सैडली एक चीज़ और हुई है, ये बिल्लू बरे थे, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड ने बोला है कि हाफ चीज़ें या ऐसी नेगेटिव चीज़ें घर में नहीं रखते अकॉर्डिंग टू वास्तु, और मेरे को लगा उसकी बात मान लेनी चाहिए और इसे हटा देना चाहिए, तो हटा देंगे यार, दोस्त होते हैं इसलिए, बात मनवाने के लिए तो होते हैं। बाय बाय बिल्लू बरेथियन, आई विल मिस यू। मैंने कुछ नहीं किया बेसिकली, ये सारा स्टफ है कूप से जो आया हुआ है, अभी मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा गंदी पैकेजिंग में आया है, और सबसे बेकार बात ये है कि आधी पैकेजिंग टूटी फूटी है, बट कोई नहीं, अपने को अंदर के माल से यू नो ज़्यादा कंसर्न है रादर देन ये डब्बे शब्बे, अंदर का माल नहीं फटाना चाहिए, वरना फिर वापस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ओके वेल, टी शर्ट भी चेंज कर ली तुम्हारे भाई ने, सोचा कि चलो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, एक थोड़ा मूड चेंज सीन चेंज करते हैं।
कूव्स का हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 10 चीजें हैं ना सिर्फ और सिर्फ आई हैं, गेस करो 2810 रुपीज में। दिखाता हूँ क्या क्या है, एंड कुछ तो इतनी डर्ट चीप थी कि भाई मजा आ गया। ऑल्दो कूव्स का और मेरा रिलेशन थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कभी भी जब ये करते हैं ना डिलीवरी तो इतनी कभी कभी लेट करते हैं, कभी 2 महीने कभी 3 महीने, लेकिन इस टाइम पे हफ्ते के अंदर डिलीवरी कर दी बॉस, आई डोंट नो कैसे। चलो स्टार्ट करते हैं कूव्स का हॉल। जब से मैं यूट्यूब पे आया तब से आप मुझे जानते हो, तो भाई मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड फर्स्ट है ये वाला बैग जिसको मैंने मंगवाया है कूव्स से। ऑब्वियसली बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एंड ये इस तरीके से खुल जाता है, काफ़ी मुझे स्टाइलिश लगा, एस्थेटिक लगा। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे बैग हैं लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, एंड इसमें लैपटॉप स्लीव भी है अंदर दे रखी हुई। मुझे एग्जैक्टली सबके प्राइस तो याद नहीं, बट ये शायद 200 से 300 रुपये का होगा, विच इज़ अ यू नो बार्गेन, एंड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस तरीके का ये देखता है। अगर आप स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो दिस कैन बी अ गो फॉर यू, एंड इवन प्रोफेशनल वर्क में भी ये काम आ सकता है, क्योंकि दिस इज एस्थेटिकली प्रोफेशनल। अब आई नो सर्दी गए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन भाई सेल पे सर्दी का कुछ मैटर नहीं होता। चलो भैया कूव साइड हो जाओ। तो ये स्वेटर मैंने मंगवाया है सिर्फ और सिर्फ 230 रुपीस का। दिस इज अगेन एक और स्वेटर, काफ़ी ज़्यादा मोटा नहीं है बट दिस इज़ गुड, एक काम आने लायक है, और यू नो विंटर्स में इसको कैरी कर सकते हैं, एंड यू नो हाउ मच आई लव हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, यू नो तो ये उसमें से एक है। प्लस द कलर इज नॉट ब्राइट रेड, इट्स अ बिट डार्क, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो इस पूरे हॉल की सबसे सस्ती चीज़ है, एंड आप प्राइस गेस नहीं कर सकते कितने की है। चलो मैं बता ही देता हूँ, द प्राइस इज जस्ट ₹47, एंड उसके बाद ये फ्लिप फ्लॉप्स है कूव्स की तरफ से। MRP है 200 बट मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 47 रुपीज़ में। क्या ये खराब है भाई, इतने सस्ते में कोई सी भी चप्पल नहीं मिलती जहाँ तक मुझे पता है। तो आई थिंक या एक रबर की नॉर्मल चप्पल है, अंदर जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बट आई थिंक काम चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 4 महीने भी चल गई ना मेरे पैसे वसूल है। ओहो गंद हो गया, मम्मी मारेंगी यार, तो फटाफट एक ही थैली में सारे डाल दो, इससे पहले मम्मी को पता चल जाए। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो एक शर्ट है, दिस इज अ क्यूबन कॉलर शर्ट, काफ़ी मोटा है इसका तो जो फैब्रिक है, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा मोटा होगा, बट आई थिंक दिस इज गुड, एंड ये इस तरीके की दिखती है, साइज इज स्मॉल एंड पैटर्न इस तरीके के हैं, तो काफ़ी अच्छी शर्ट है। इसका प्राइस क्या है, कहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा, ओके प्राइस नहीं लिखा इस पर। आई थिंक प्राइस इसलिए नहीं लिखते हैं कूव्स वाले ताकि उनके बिलिंग में अगर कुछ दिक्कत आए या डिस्काउंट अगर हैवी लगा दे तो इस पर प्राइस नहीं होना चाहिए, किसी भी आइटम पर प्राइस इसलिए नहीं है टैग्स में। तो या दिस इज प्रीटी मच अ गुड शर्ट, एंड आई थिंक साइज भी ठीक ही रहेगा, थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, फिटिंग कराने की जरूरत पड़ेगी या नहीं ट्राई करके देखेंगे अभी। एक ये कूव्स की आइटम है ना, ये इनकी स्टार आइटम है एक तरह से, मतलब अगर आप जब भी चीज़ें देख रहे होगे स्क्रॉल करोगे आई एम श्योर आपने ये वाली देखी होगी, विच इज़ अ पुल ओवर पोलो शर्ट। ये पुल ओवर वाला मटेरियल है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है बट ये इस तरीके का है, एंड वर्टिकल स्ट्राइप्स अगेन एक अच्छी चीज़ है। स्वेटर जैसा थोड़ा सा लग रहा है इसका कपड़ा, दिस इज़ नॉट वूलन, एंड ये बहुत ज़्यादा गर्मी तो मतलब नहीं देगा बट ठीक है, इट्स क्वाइट ओके। 200-300 रुपए के बीच में मंगवाई होगी ये भी मैंने, तो इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, एंड दिस इज प्रीटी मच गुड। ये लास्ट फैशन आइटम है, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं फुटवेयर के बारे में बात, और फुटवेयर भाई मजे आने वाले हैं। लास्ट देख लो क्या है ये, दिस इज अ स्किनी फिट जीन्स, एंड ये इस तरीके की दिखती है, इट इज़ अ सेमी वॉश जीन्स, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं है, तो मुझे पसंद आई मैंने मंगवा ली थी, एंड सुपर स्किनी नहीं है, नॉर्मल स्किनी है और मेरे ऊपर चल जाएगी। MRP है 1000 रुपये का, बट 1000 रुपये की नहीं है ये, मेरे ख्याल 400 या 450 रुपये की होगी मैक्सिमम, एंड दिस इज़ गुड। मतलब तुम्हें करोल बाग वाले प्राइस में अगर कूव से मिल रहा है तो आई थिंक ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल भी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, पैचेज नहीं है। कूव्स के जो डिज़ाइंस होते हैं ना कभी कभी इतने इम्प्रैक्टिकल होते हैं कि आप उनको रियल लाइफ में पहन नहीं पाते हो, बट ये थोड़े बेसिक्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं। बात करते हैं अब जिसका आप वेट कर रहे हो, फुटवेयर के बारे में। दोस्त फुटवेयर दिखाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक चीज़ मेरे को क्लैरिफाई करनी थी। देखो काफ़ी कमेंट्स मेरे यूजुअली हॉल वीडियोस पे आते हैं कि यार आपने ये वाली आइटम ना अच्छी नहीं मंगवाई, ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है, तो बिल्कुल बेकार लग रही है, इसमें पैसा वेस्ट। देखो बात ऐसी है, पैसा मैंने इस पर अपना लगाया और मैं अपने ऑडियंस को लगा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, और मेनली जो मेरा पर्पस है इसको दिखाने का कि ये स्टाइल्स जो है मैसिव ऑडियंस पे अच्छे लगने वाले हैं। मैं सिर्फ सेल्फिशली नहीं सोच रहा हूँ, आपकी पर्सनल चॉइस, आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, कोई और चीज़ देख लो, कोई बहुत सारी चीज़ें देखने लायक यहाँ पर, अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम अच्छी लगी दूसरी लग जाएगी, तो इसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं मेजरली एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर जो बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को वो ये चीज़ें हैं।
बढ़ते हैं फुटवेयर की तरफ। तो सबसे पहला है सैंडल्स, एंड देखो इसको दिखाने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि भाई ये नॉर्मल सैंडल्स नहीं है, वो नहीं है जिसमें फ्लाइट लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है, दीज आर फॉर लेदर सैंडल्स एंड ये प्रैक्टिकली जो ग्रीक के टाइम पे होते थे ना, ग्रीक गॉड्स होते थे, वो सब पहनते थे इसको, लेकिन ये फिर से ट्रेंड में आने वाली है एंड काफी लोग आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ब्लैक लाइक आपके डार्क कलर, ब्राउन कलर में, ऐसे कलर में बहुत सारी आती है, बट मुझे ये व्हाइट कलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, अलग लगा, तो मैंने भैया कर दिया ऑर्डर। इसका मुझे प्राइस अच्छे से याद है, दिस वॉज फॉर 216 रुपीज एंड काफी ज्यादा लाइट है, मटेरियल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और कूव्स से आप ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट ये जो कूव्स के मेरे पास ऐसी भी बहुत सारे आइटम्स जो इतने सालों से चल रही हैं एंड दे आर डूइंग जस्ट फाइन, और कुछ ऐसी हैं कि कुछ टाइम में ही वो खराब हो जाती है, तो अगर एक कुछ टाइम वाली भी है तब भी मेरे को चलेगा क्योंकि 216 रुपए में भाई कुछ टाइम वाला ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नेक्स्ट डब्बा अगेन आपके सामने खोलता हूँ एंड शायद आपको पसंद ना आए, आई एग्री, कोई बात नहीं। ये हैं स्लीपर्स घर में पहनने के लिए, अगर आप बीच पे जा रहे हो उसके लिए, दीज आर स्वेड स्लीपर्स, ऊपर ये फॉर स्वेड लगा हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जो मेरे पास पहले थी वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, बट ये मेरे लिए कामयाब है एंड इसका प्राइस भी अराउंड कुछ 200-300 रुपये ही होगा, सब 200-300 रुपये के अंडर ही अंडर है, मतलब समझ लो। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, रेड कलर इस तरीके की मैंने देखी नहीं थी एंड कभी पहनी भी नहीं थी, थोड़ा सा किसी को अलग लग सकता है, थोड़ा सा किसी को झटका लग सकता है, बट आई थिंक दिस विल वर्क फॉर मी। वैसे भी बीचेस में हम अतरंगी कलर्स ही पहनते हैं, हम थोड़े हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स पहनते हैं, आई थिंक दिस विल वर्क फॉर मी। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्लासिक्स की एंड दीज आर चक टेलर्स, थोड़े से गंदे हो रहे हैं वो, चलो साफ कर देंगे, एंड ये प्योर वाइट कलर के हैं एंड आपको पता है मुझे वाइट शूज़ कितने ज़्यादा पसंद है, मेरे पास वाइट शूज़ इतने सारे हो गए हैं कि अलग से वो सिर्फ और सिर्फ वाइट शूज़ पे वीडियो बन सकती है। तो ये उस तरीके के हैं जिस पे भाई सबका दिल आ जाए, पीछे कूव्स लिखा हुआ है एंड ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है, ये मुझे अराउंड पड़े होंगे 500-600 रुपये के, इसके ऊपर नहीं थे, जितने भी शूज़ हैं 500-600 रुपये का कोई भी नहीं है, तो यार आई थिंक दीज आर गुड, बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, लेकिन याद है आपको जब हम स्कूल में वो रिलैक्सो वाले शूज़ पहनते थे उस तरीके के, तो थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पर, डिटेलिंग है रेड कलर की, जो कि उसको वहाँ से हटाकर स्कूल वाले जूतों से कॉलेज वाला जूता बना देती है, दिस कैन बी योर गो एंड आप अगर चाहो तो ले सकते हो। लास्ट के लिए भाई सबसे अच्छी चीज़ बचानी चाहिए, तो जो लास्ट अच्छी चीज़ है मेरे पास उसका प्राइस आपको पहले बता दूं, इट इज़ ओनली ₹590 के अंदर लास्ट जूता मेरे पास है, अ चंकी मरून कलर स्नीकर। चंकी शूज़ अभी भी ट्रेंड में है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड ये शू यार इतना बढ़िया लगा मेरे को कि मुझे कुछ दिखा नहीं और मैंने सोचा कि मंगवा लेना चाहिए, दिस इज गुड। ये था भैया शू का कलेक्शन, लास्टली फुटवेयर का। तो व्लॉगर तो बन गए भैया, ये साफ कौन करेगा सारी चीजें, मुझे करनी पड़ेगी और कौन करेगा, तो ऐसे अलमारी में जाएंगे अंदर सामने यहाँ पर रखूंगा, एक एक करके अभी सब छाटना है, पहन के देखना है और मे बी किसी और दिन लुकबुक में भी आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ हॉल था, दिस इज नॉट अ ट्राई ऑन हॉल, तो रेडी रहो कुछ नया करेंगे इन सब चीजों से अपार्ट फ्रॉम द स्वेटर्स। अभी फिलहाल को मैं समेटता हूँ, आप लोग मुझे मिलो अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, अभी थोड़ा सा खाना पीना भी, भूख भी लग रही है, और भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, देखो इतने लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ अभी तक, वीडियो देखते और निकल लेते हैं, दैट्स नॉट गुड, आप किसी की मेहनत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यू शुड, कोई नहीं कर देना क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोज़ हैं और आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, एंड कहानी की आज समाप्त करते हैं।